आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट्स सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने सिखाऊंगा, वो भी एक से दो सेकंड में, और आप इसको बिना पेन पेपर के सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पिछली वीडियो में मैंने क्यूब रूट निकालने सिखाया था, वो भी ऐसी टेक्निक बताई थी जिसको आप एक से दो सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। 576 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए कितना आसान है इसको निकालना, ये कट किया 4, इसे कट किया 2, बस आंसर 24 है। देखिए कितना आसान था। चलिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। इस टेक्निक को सबसे पहले समझने के लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा। आपके सामने एक टेबल है जिसमें मैंने स्क्वायर, जैसे आपको पिछली वीडियो मैंने क्यूब रूट के लिए क्यूब्स लिखे थे 1, 2, 3 अप टू 10 तक, वैसे यहाँ पे स्क्वायर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का हो गया 4, वैसे ही 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। आपको ये टेबल की ज़रूरत पड़ेगी इस ट्रिक का यूज़ करने के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया आप एग्ज़ाम हॉल में रफ शीट पर लिख सकते हो, और कोई मना करता है तो ऑब्वियसली मत लिखना, लेकिन आप वहाँ पर लिख सकते हो। अब आपको इस टेबल में कोई एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप 1 का जब स्क्वायर है तो उसका 1 आ रहा है, ठीक है। 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का आता है 9। अब सीधा आप नीचे आइए, आपको 9 का स्क्वायर के लास्ट में 1 दिख रहा होगा, जो कि 1 के स्क्वायर के लास्ट में भी 1 था। अब 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 है, और 2 के स्क्वायर के लास्ट में भी 4 है। 7 के स्क्वायर के लास्ट में 9 है, और 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9 है। 4 और 6 दोनों के स्क्वायर के लास्ट में 6 है, और 5 और 10 एक ऐसा है जिसके लास्ट में अपना ही नंबर है, मतलब 5 के लास्ट में 5 ही है और 10 का जो लास्ट डिजिट है वो 0, तो वो उसके स्क्वायर में भी 100 यानी 0 ही आता है लास्ट में। तो आपको ये पैटर्न थोड़ा सा समझ में आया कि क्या पैटर्न है, तो अब इस पैटर्न का यूज़ करके मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार मैं आपको वही क्वेश्चन दोबारा लेता हूँ, 576, ठीक है। इसको हम सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसके लास्ट में आ रहा है 6, मैंने क्यूब के लास्ट में बताया था कि जो हमारा टेबल है क्यूब का उसके लास्ट में, जैसे 6 के स्क्वायर 36 के लास्ट में यानी यूनिट डिजिट पे 6 आता है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देते अगर यह हमको क्यूब निकालना होता तो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ स्क्वायर निकालना है, और यहाँ पे 6 दो डिजिट के लास्ट में आ रहा है, एक तो 6 के लास्ट में आ रहा है और दूसरा 4 के लास्ट में आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर होगा। आपको समझ में आया? जो एंड डिजिट है हमको टेबल से देखना है कि किस टेबल के यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है, यानी जैसे 4 के स्क्वायर है 16 तो उसके लास्ट में 6 आता है, और 6 के स्क्वायर के लास्ट में भी 6 आता है, तो ये दोनों ऑप्शन होगा हमारे एंड डिजिट है, ठीक है, यानी यूनिट प्लेस 6 और 4 में से एक होगा। और हम अब इस दोनों को कट कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, जब हम क्यूब में 3 को काट देते हैं स्क्वायर में 2 को काटेंगे, अब बचा 5। अब यहाँ 5 के आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब हमको सेम क्यूब की तरह ही देखना है 5 किसके बीच में आता है, यानी किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का होता है 9, तो 5 इन दोनों के बीच में आता है। तो हम पिछले जैसे क्यूब की तरह ही इसमें मिनिमम लेंगे यानी 2 को लेंगे, तो आंसर के वक्त यहाँ पे आएगा नीचे 2। हमको ये पहला डिजिट तो हमारा आंसर का मिल गया, क्योंकि 5 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है और मिनिमम जो होता है हम उसको लेते हैं यानी 2 को। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पर ये मेन कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कैसे आएगी चीज़ें 6 और 4 में से। हम सबसे पहले देखेंगे 5 जिन दोनों चीज़ों के बीच में आता था वो कौन था, 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। 6 क्या 5 से बड़ा है? नहीं, 5 छोटा है। जब 5 छोटा है तो 6 और 4 में जो छोटा है वो यहाँ पर आएगा यानी 24। आपको समझ में आया? मैं एक और बार समझाता हूँ। देखिए जो आपका नंबर होता है जिसे हमें कैलकुलेट करना है, जो उसका एंड डिजिट है वो तो हमको मैच करवाना है टेबल से, और हमको दो डिजिट मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे 6 और 4 मिले, ठीक है, इतना समझ में आया। अब 5 पे आते हैं, 5 का सीधा क्यूब जैसा ही कॉन्सेप्ट है, 2 और 3 यानी 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है ये, तो हम जो मिनिमम होता है वो यहाँ पर लिख लेंगे यानी 2। अब हम क्या करेंगे, जिन दोनों के स्क्वायर के बीच में 5 आता है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 और 3 को, तो आएगा 6, ठीक है। तो जब उन 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद
जो डिजिट आता है उसको और 5 को कंपेयर करेंगे। अगर 5 बड़ा है तो जो 6 और 4 में बड़ा डिजिट होगा वो यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर 5 6 से छोटा है जब जो कि इस केस में है, तो यहाँ पर जो 6 और 4 में लोएस्ट है वो 4 यहाँ पर आएगा। आपने समझ गए इस चीज़ को? चलिए क्वेश्चन और करते हैं और आप अच्छे से समझिए इस चीज़ को। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5 1 8 4। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। सेम इसी कॉन्सेप्ट से मैं करता हूँ। सबसे पहले तो मैं लास्ट के दो डिजिट काट देता हूँ, नीचे लिखता हूँ 4 किस किस दो डिजिट के लास्ट में आता है। तो पहले तो 2 के लास्ट में आता है, और किसके लास्ट में आता है, और ये आता है 8 के लास्ट में, ठीक है। तो अब ये तो पता चल गया कि 2 और 8 में से कोई एक होगा वंस डिजिट। अब हम देखते हैं 51 को, ठीक है। अब 51 किस किन दोनों स्क्वायर्स के बीच में आता है? तो 51 आता है 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का होता है 64, ठीक है। तो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा 51, तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे? मिनिमम डिजिट। तो मिनिमम कौन सा है 7 और 8 में? यानी छोटा कौन सा है? वो है 7, सिंपल। और 7 और 8 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है। 7 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56, ठीक है। तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करने पे 56 आया, जो कि 51 से बड़ा है। तो 2 और 8 में जो छोटा डिजिट है हम उसको लेंगे, यानी 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप समझ गए 72 कैसे आया। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखते हैं 1 3 9 2 4। ये थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बड़े डिजिट के क्वेश्चंस भी इससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लास्ट के दो डिजिट काट देंगे, ठीक है। जैसे इन दो डिजिट को काटेंगे, यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शन आएंगे कि अब लास्ट का डिजिट क्या होने वाला है, यानी यूनिट प्लेस क्या होने वाला है। तो 4 किसके किसके लास्ट में आ रहा है? एक तो 2 के लास्ट में आ रहा है और 8 के लास्ट में आ रहा है, सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही, ठीक है। अब हमको 139 को कैलकुलेट करना है कि 139 किन दोनों स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो 139 आता है 11 एंड 12 के स्क्वायर के बीच में। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का होता है 144, ठीक है। तो ये आएगा आपके, तो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ ये 1 to 9 के बीच में ही नहीं, 11 12 तक भी पहुंच जाए स्क्वायर, तब भी इस क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 11 और 12 में स्मॉल डिजिट कौन सा है? वो है 11, 11 लिख दिया हमने। अब हमको 11 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे। जब 11 और 12 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132, ठीक है। तो 132 क्या 139 से बड़ा है? नहीं, 139 132 से बड़ा है। तो 2 और 8 में जो बड़ा डिजिट है हम उसको यहाँ पर लेंगे, और यहाँ हो जाएगा आंसर 118, ठीक है। समझ में आ गया आपको? हमारा आंसर आ गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली 1-2 सेकंड में कर पाओगे। आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मन में क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये है 40,000, 40,000 का अब हमको निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, कुछ लोगों को अब समझ में नहीं आया कि लास्ट में इतने सारे जीरो आ गए, आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो लास्ट के 2 जीरो काट दो। जब लास्ट के दोनों जीरो हैं, इसका मतलब नीचे भी जीरो होगा, ठीक है। अब 400, 400 किस स्क्वायर के बीच में आता है? किसी स्क्वायर के बीच में नहीं आता, ये खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 20 का। तो बस इतना ही सा था ये क्वेश्चन। आपको समझ में आया चीज़ें कितनी आसान थी? तो आपको ये अगर कॉन्सेप्ट अब समझ में आ जाना चाहिए, आप खुद से 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। और आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्ट इसका सॉल्यूशन आप कर पाओगे। तो अभी एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। 5 6 2 5, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप देख रहे होंगे कि ये लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 जो हमने टेबल देख रहे थे स्क्वायर्स का, तो 5 का स्क्वायर 25 है, और सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही 5 आ रहा था। तो इसका तो सिंपल आंसर हो गया 5, जो हमारे दो ऑप्शन होते थे वो तो है ही नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ एक में 5 आ रहा था और वो नीचे हमने लिख दिया, तो अभी हमें 2 कट करेंगे। बचा क्या? 56। 56 अब देखते हैं कि किसके और किसके बीच में आता है। तो 56, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64। तो ये 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो 7 और 8 में मिनिमम कौन सा है? 7। तो आंसर हो गया 75। आपको समझ में आया? जो हमारा स्क्वायर की जो लिस्ट थी उसके अंदर जो 5 है
वो सिर्फ 5 के स्क्वायर में आ रहा है और किसी के स्क्वायर में नहीं आ रहा है। जैसे कि आपका, जैसे कि 2 था, जैसे कि आपका 1 था, वो 9 के स्क्वायर में आ रहा है और 1 के स्क्वायर में भी लास्ट में 1 आ रहा है, तो दो हमारे ऑप्शन हो जाते थे। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर बस एक 5 आ रहा है लास्ट में और हम वो उसी की वैल्यू सीधे नीचे लिख दे रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं एग्जाम में। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है, ये ट्रिक जो है, ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पर ही काम करता है, ठीक है। जैसे 49 49 7 का है, ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो परफेक्ट होंगे, जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा होगा, जैसे 49 का 7 है, तभी होगा, 7.2 होगा, तब ये फार्मूला काम नहीं करता। इसके अलावा एक फार्मूला और है जिससे आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चन निकल जाएंगे, किसी भी टाइप का। वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन अगर आपको उस फार्मूले को भी, उस ट्रिक को भी समझना है, तो आप कमेंट करिए, तो मैं आपको वो ट्रिक भी ज़रूर समझा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मैं उसे ज़रूर क्लियर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।